हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, जिसकी ये हमारे पास आया हुआ है। आया मतलब मैंने जो इसको मंगा लिया है, जो है एक बोट की तरफ से है, एक साउंड बार जो है बोट अवंती 553 करके जो है। और ये आपके लिए लेना वर्थ होगा या नहीं, क्या क्या फीचर्स है, और ये मुझे जो है अराउंड जो है 1800 रुपीज़ का पड़ गया था जो है फ्लिपकार्ट से। और इस वीडियो को जो लास्ट एंड तक देखते रहे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और साथ साथ इस डिवाइस के बारे में कुछ भी पूछना चाहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जो हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बॉक्स पैकिंग को देख लेते, तो बॉक्स पैकिंग को जिस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है, अवंती बार 553 के आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी, बोट का लोगो मिल जाएगा, 16 वोल्ट का ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्पीकर्स जो है, और इक्वलाइजर मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बेस जो आपको एक बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगी। और जिसके हम साइड की तरफ देखी जाए तो यहाँ पे कुछ हाइलाइटर्स वगैरह जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, इस बॉक्स पैकिंग को। तो कुछ इस तरह का आपका जो है साउंड बार रखा हुआ मिल जाता है आपको जो है। इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। उसके अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह जो है देखने के लिए मिलता है देखते हैं। उसके अंदर आपको एक पाउच देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी एक्सेसरीज बॉक्स बोट का ये जो है, और इसे हम ओपन कर लेते हैं। और उसके अंदर आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक रिमोट मिल जाता है आपको, और यहाँ पे आपको मिलता है एक वॉक्स केबल देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है, और आपको एक साउंड बार का जो है यूजर मैनुअल गाइड देखने मिल जाएगा, कैटलॉग मिल जाएगा, बोट का वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा जो है, और एक बोट हेड का एक स्टिकर्स जो है। और इसको हम साइड पर रख देते हैं और हमारे जो है मेन डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं। तो हैवी ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, मेरे हिसाब से देखी जाए थोड़ा सा मुझे हैवी यहाँ पे लगा। जिसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो साइड की जो बैक साइड है पूरा का जो आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है जो है बैक साइड जो इसकी। और इसका जो ग्रिल है ये आपको एक मेटालिक ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो बोट का लोगो देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील आपको यहाँ पे देता है जिसके। और बैक साइड की तरफ देखे जाए तो यहाँ पे आपको जो ऑक्स केबल डालने के लिए जैक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड डालने के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसकी। और काफी सही है जो है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वगैरह जो है ना, और पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम इसके डिक्रीज कर सकते हैं, पॉज या प्ले कर सकते हैं, और यहाँ से आपको जो है ये मोड मिल जाता है, वो मोड से आप जो है ना यहाँ पे जिसके कनेक्टिविटी को ऑफ कर सकते हैं और फिर से कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं जो ये फंक्शन बटन के थ्रू जो है। आपको एक रिमोट देखने के लिए मिल जाता है जिसकी, इस जो है साउंड बार का जो है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रिमोट देखने के लिए मिल जाएगा जिसकी। उसके अंदर बैटरी वगैरह जो है आपको मिलती नहीं है, आपको अलग से परचेस करके इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा जो है। और इसको जो हम आगे हम बात करेंगे रिमोट के बारे में जो है, इसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल के साथ। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने के मिल जाता है, जिसके आप जो है 10 मीटर तक रेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी कुछ दिक्कत आपको जो यहाँ पे आएगी नहीं है। पावर ऑन पावर ऑफ बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रख लीजिए, और यहाँ पे जो है ब्लूटूथ को एनेबल कर लीजिए, और ये जो इसका जो पावर ऑन हो चुका है, और जिसकी और यहाँ पे आ चुका है अवंती बार 553 करके जो, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और पेयर कर लेते हैं। पेयरिंग जो इसकी काफी फास्ट देखने के लिए मिल जाती है, और आउट ऑफ द बॉक्स मुझे जो है 60% बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मिली है।
बेस क्वालिटी के मामले में हम जो है बात करी जाए तो बेस क्वालिटी जो इसकी काफ़ी अच्छी तो सुनाई देती है आपको जो है, जिसकी आपको जो है 50-70% ऑलिंग पर जो है सुनेगी तो आपको अच्छी सुनाई देगी। जिसकी 100% ऑलिंग पर आप एक म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं इस साउंड बार के थ्रू जो है, तो आपको इसका जो है ट्रेबल जो है ना थोड़ा सा दब जाएगा और फटाफट ऐसा जो है आपको जो है सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए मिल जाएगी। जिसके आप जो है ना 70-50% वॉल्यूम पर आप इस साउंड बार के थ्रू जो है म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, दबेगा नहीं है, फटेगा नहीं है। जिसके बेस वगैरह जो है 100% वॉल्यूम पर करोगे तो आपका जो है दबा ऐसा फील आपको आ जाएगा और थोड़ा सा फटेगा। साउंड बार को जो है इस रिमोट के थ्रू जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह का जो इस रिमोट के थ्रू जो कंट्रोल करते हैं आपके जो साउंड बार को, और कुछ इस तरह का जो आपको बैटरीज लगेगी जो है, और जो आप यहाँ पे इसके जो है कैप को निकाल के जो है ना इस बैटरी को जो है कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे लगा लीजिएगा कुछ इस तरह का जो है, और यहाँ पे आप जो है ना इस कैप को फिर से लगा लीजिए, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो आप कुछ इस तरह का जो इसकी जो बैटरीज वगैरह लगा सकते हैं, और इसका जो किस तरह का कंट्रोल्स करते हैं वो हम अभी बता देते हैं। रिमोट कंट्रोल्स की हम बात करी जाए तो जैसे कि आप जो है मिडल बटन्स को आप सिंगल प्रेस कर लेते हैं आपका जो सॉन्ग जो है प्ले हो जाएगा, और सिंगल प्रेस कर लेते हैं आपके सॉन्ग जो है पॉज यहाँ पे हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम डाउन करने के लिए जब आपको वॉल्यूम प्लस आइकॉन से वॉल्यूम अप हो जाता है, और वॉल्यूम माइनस से वॉल्यूम जो आपका डाउन यहाँ पे हो जाएगा। इक्वलाइजर का यहाँ पे आपको जब मोड देखने को मिल जाता है इसको आप सिंपल प्रेस कर लेते हैं आपका जो इक्वलाइजर मोड यहाँ पे एनेबल हो जाता है, और इसको प्रेस करने के बाद जो ये ऑफ हो जाएगा। और आपको जो कनेक्टिविटी ऑफ करना चाहिए तो यहाँ से आप जो मोड को बटन से उसका प्रेस करके जो आपकी कनेक्टिविटी को जो है ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, और इसको आप फिर से दबा के जो है ना आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके जो है स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ये साउंड बार को जो है, और आपको जो है इसके जो वॉल्यूम ऑफ करके रखना है तो यहाँ से आप जो है वॉल्यूम ऑफ कर सकते हैं। जिसके सॉन्ग प्ले वगैरह करोगे तो यहाँ पे बजेगा नहीं है, तो इसको आप प्रेस करोगे तो ये बजेगा जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रेस कर लोगे तो आपका जो वॉइस असिस्टेंट या आपके जो है सीरी एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। काफी इजी है जो है रिमोट के थ्रू जो है यहाँ पे कंट्रोल्स करना जो है। यहाँ पे हम देखिए जो फंक्शन बटन्स यहाँ से भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और पावर जो है इस रिमोट के थ्रू भी जो आप यहाँ पे पावर ऑफ कर सकते हैं जिसके, और यहाँ से आप पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं, और वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं, और कनेक्टिविटी जो है आप इसकी जो है यहाँ पे प्रेस करके ऑफ और कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं या इस बटन्स के थ्रू जो है आप जो है काफी अच्छी है। काफी टेक्टाइल इसकी जो बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी जो अभी हम जो है इस साउंड बार के थ्रू जो ऑडियो क्वालिटी जो यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं और किस तरह जो इसका जो ऑडियो सैंपल आपको सुनने के लिए मिल जाता है वो आप यहाँ पे सुन लीजिए। सो गाइस अभी आप सुन रहे जो है बोट अवंती 553 एक साउंड बार के थ्रू जो ऑडियो क्वालिटी जो है रिकॉर्ड हो रही है। जिसकी इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है मेंशन यहाँ पे। बैटरी बैकअप्स के मामले में बात करी जाए तो जिसकी ये जो आप फुल चार्ज करके यूज कर लेते हैं तो आपको जो है 4.5 आवर्स का जो यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, और मुझे जो इसका प्लेबैक टाइम जो है 4.5 आवर्स का काफी सही लगा इस प्राइस पॉइंट हिसाब से जो है। और इसे चार्जिंग करने के लिए मैक्सिमम जो है ना आप जो है 10 वोल्ट का ये एडाप्टर यूज़ करो, आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं 65 वोल्ट का एडाप्टर जो है यूज़ वगैरह करोगे तो। ये लेना चाहते हैं जो है बोट अवंती 553 एक साउंड बार, और आप जो है ना 1800 रुपीज़ के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी अच्छा है। जिसके आप जो है 50-70% वॉल्यूम पर आप इस साउंड बार के थ्रू जो है म्यूजिक वगैरह सुन लेते तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। जिसके आप जो है 100% वॉल्यूम पर आप एक म्यूजिक वगैरह सुन लेते तो आपको दबा ऐसा और फटाफट ऐसा यहाँ पे आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कुछ बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी है 1800 रुपीज़ के हिसाब से देखी जाए तो। इसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। और आपको थोड़े से भी वीडियो हेल्पफुल हुआ है अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, और जिसके आप जो है वीडियो को भी एक लाइक कर लीजिए, और तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं।